मध्य प्रदेश की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मध्य प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी सट्टे के विरुद्ध कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि उज्जैन क्राइम ब्रांच साइबर टीम व थाना नीलगंगा एवं खारकुआ पुलिस ने मिलकर सट्टे के विरुद्ध बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय एप्लीकेशन का उपयोग करते हुए कुल 9 अपराधी को गिरफ्तार किया है। वहीं एक आरोपी फरार हो गया है। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने राम जन्मभूमि को लेकर एक बार फिर बयानबाजी की है। जैश ने राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी है। इसे लेकर धमकी भरा ऑडियो भी वायरल किया गया। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की जा रही है। लोकसभा चुनाव रिजल्ट के बाद से ही इंटरनेट मीडिया पर हैशटैग मेलोडी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के हजारों मीम्स वायरल है। हालांकि यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले नई दिल्ली में G20 सम्मेलन के दौरान भी दोनों नेताओं के मीम्स खूब वायरल हो चुके हैं। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जेल में बंद रहे पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस रंजन मुखोपाध्याय की कोर्ट में लगातार 3 दिनों तक बहस होती रही। हेमंत सोरेन की ओर से दिल्ली में पेश करते हुए अधिवक्ता कपिल सिब्बल और मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि यह गिरफ्तारी बिल्कुल भी उचित नहीं है। यह जमीन किसी और के नाम पर है और इससे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कोई लेना देना नहीं है। झारखंड अभी गर्मी से त्राहिमाम कर रही है और राहत की एक भी बूंद कहीं बरसाती नजर नहीं आ रही है। लोग बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मानसून ने झारखंड में कहीं दस्तक नहीं दी है। लोग हर दिन इसी उम्मीद से इस गर्मी को झेल रहे हैं कि जल्दी मानसून आएगी और इससे भीषण गर्मी से राहत मिलेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की माने तो झारखंड में 13 को ही मानसून को प्रवेश होना था, लेकिन अब मानसून 18 जून को आ सकता है। नेक्स्ट, भारतीय टीम के खिलाड़ी शुभमन गिल और आवेश खान को T20 वर्ल्ड कप के बीच में ही भारत लौटना पड़ सकता है। दरअसल दोनों खिलाड़ियों को T20 वर्ल्ड कप में जगह नहीं मिली थी, लेकिन रिजर्व प्लेयर होने के तौर पर यह दोनों टीम इंडिया के साथ थे। लेकिन इसी बीच यह बात निकल कर सामने आ रही है कि शुभमन गिल और आवेश खान का वीजा अमेरिका तक का ही था। कुवैत में हुए भीषण आगजनी में भारत के 45 लोग अब तक मर चुके हैं। इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तत्काल बैठक भी बुलाई थी, जिसमें विदेश मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह को तत्काल कुवैत रवाना के निर्देश दिए गए थे। बता दें कि विदेश मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह 45 भारतीयों का शव कुवैत से लेकर भारत पहुंच चुके हैं। भारतीय वायुसेना का स्पेशल एयरक्राफ्ट शव को लेकर भारत पहुंचा और कोची एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। भोपाल में पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का सहारा लिया जा रहा है। बता दें कि भोपाल में मंत्री और विधायकों के बंगले बनाने के लिए करीब 29,000 हरे भरे पेड़ों को काटा या शिफ्ट किया जाना, इसे लेकर अनेक संगठनों का विरोध जताया जा रहा है। हरे पेड़ पौधों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन चलाया जा रहा है। इस दौरान शिवाजी नगर और तुलसी नगर में लगे पेड़ों से महिलाएं चिपक कर रो रही हैं और भावुक हो गई। कोटा में राधा कृष्ण का एक खास मंदिर है, जहां प्रेमी जोड़े मन्नत मांगने नहीं आते, बल्कि यहां हजारों हजार विद्यार्थी अपनी मन्नत लेकर बहुत ही श्रद्धा के साथ पहुंचते हैं। बता दें कि प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोटा आए सारे बच्चे इस मंदिर में आकर माथा टेकते हैं और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। राजस्थान के कोटा में स्थित यह राधा कृष्ण का मंदिर मेडिकल और इंजीनियरिंग छात्रों के बीच बहुत लोकप्रिय है। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी आखिरकार कंफर्म हो गई। कई दिनों से उनकी शादी की खबरें पर सस्पेंस बना हुआ था। बताया गया कि 23 जून को यह दोनों रजिस्टर्ड मैरिज करने वाले हैं। खबरों की मारे तो रजिस्टर्ड मैरिज करने के बाद शाम को एक फंक्शन रखा जाएगा और शादी अनाउंसमेंट की जाएगी। भारत शनिवार को कनाडा को टक्कर देगी। बता दें कि यह मैच फ्लोरिडा के लोडर हिल में खेला जाएगा। भारतीय टीम इस मुकाबले के लिए न्यूयॉर्क से रवाना हो गई है। गौरतलब है कि भारतीय टीम 4 स्पिनर्स के साथ T20 विश्व कप 2024 में खेल रही है। झारखंड के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेखा ने कहा कि किसानों के 2,00,000 रुपए के लेन देन ऋण माफ किए जाएंगे। इसके लिए उन्होंने सभी बैंकों से प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा। 31 मार्च 2020 तक किसानों द्वारा 50,000 से लेकर 2,00,000 तक लिए गए लोन व टाइम सेटलमेंट के माध्यम से माफ किए जाएंगे। इसके लिए सभी बैंकों से प्रस्ताव आमंत्रित किया गया है। कार्तिक आर्यन की फिल्म चंदू चैंपियन 14 जून को सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। कबीर खान द्वारा निर्देशित ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा है जो भारत के पहले पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतेगा। मुरलीकांत पेटकर की लाइफ से प्रेरित है। कार्तिक के अलावा इसके विजयराज, राजपाल यादव और भुवन अरोड़ा ने भी शानदार काम किया है। फिल्म के रिव्यूज आने लगे हैं।
पश्चिम सिंहभूम के कराईकेला थाना क्षेत्र के नटकी पंचायत स्थित दुर्गादा मंदिर से 3 क्विंटल का गायब शिवलिंग को बरामद कर लिया गया। शिवलिंग की बरामदगी मंदिर से 50 किलोमीटर दूर स्थित बेड़ा दुइया जंगल से हुई है। ज्ञात हो कि 8 जून को कुछ अज्ञात लोगों ने शिवलिंग की चोरी कर ली थी। मुंबई के स्थानीय अदालत ने पुलिस को गोल्ड स्कीम में एक निवेदक को धोखा देने के मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, उनके पति राज कुंद्रा और अन्य के खिलाफ शिकायत जांच करने का निर्देश दिया है।